अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और हमारे डिजिटल लेक्चर से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताती चलूँ कि आज हम बच्चों को कर्टसी वर्ड्स के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स बताएंगे जो वो अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे तो उनके लिए वो बहुत ज्यादा मुफीद होंगे, फायदेमंद होंगे, सूदमंद होंगे। अगर वो डेली रूटीन में थैंक यू वर्ड, सॉरी वर्ड, एक्सक्यूज मी, प्लीज कहना सीख जाएंगे तो इमोशनली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, सोशली वो स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि कभी भी वो किसी से कोई चीज लेंगे और उसके बाद वो उसको वापस करते वक्त या लेते वक्त भी थैंक यू कहेंगे तो उसका इम्पैक्ट दूसरे के जहन में बहुत अच्छा बनेगा और इससे बच्चा इमोशनली और सोशली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और इससे उनकी कम्युनिकेटिव स्किल भी बहुत इम्प्रूव करेगी। सेकेंडली, जैसे ही बच्चा किसी को प्लीज करके बात करेगा, प्लीज करके कोई चीज मांगेगा तो उससे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। जैसे कि देखा जाए कि आजकल मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां फैल चुकी हैं, अगर बच्चा एक्सक्यूज मी या प्लीज करके किसी से बात करेगा तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होगी और उसके गुड मैनर्स को शो करेगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि बच्चे से कोई भी गलती, कोई भी एरर, कोई भी मिस्टेक अगर वो कमिट कर लेता है लेकिन वो उसको मानता नहीं है, वो किसी डर की वजह से उसको मानता नहीं है तो इससे बहुत ज़्यादा बुराई फैलती है। अगर बच्चा अपनी गलती को ऑन द स्पॉट कमिट करे और उसको ऑन द स्पॉट उसको उस पर सॉरी बोल दे तो दिस इज़ द वेरी वेरी बेटर वे कि वो अपनी गलती को कमिट कर रहा है और उसके बाद उस पर सॉरी बोल रहा है। और ये भी मुआशरे में एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और इसके साथ साथ दूसरे पर्सन को भी चाहिए कि अगर बच्चा सॉरी कर रहा है तो उसको बहुत अच्छे अंदाज में आगे से बात करें, ऐसा ना हो कि उसको ज्यादा से ज्यादा डांट डपट दे के वो नेक्स्ट टाइम से उसको सॉरी ही ना बोले। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ऑलरेडी इसकी एक्टिविटीज तो क्लास में बच्चे कर चुके हैं, आपने जस्ट घर में क्या करना है, बच्चों से छोटी मोटी एक्टिविटीज करवानी है, कोई कजन गैदरिंग रख लें, कोई फ्रेंड्स गैदरिंग रख लें बच्चों की, और उसमें आप बच्चों से छोटी छोटी चीज़ें परफॉर्म करवा सकती हैं। बच्चे अगर घर में अपने सिबलिंग्स के साथ है और वो एक दूसरे से ग्लास ऑफ वाटर मांग रहे हैं तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी करके अगर बोलेंगे, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या मदर से ही वो कह रहे हैं एक्सक्यूज मी मामा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा खुश आइंद होगी कि बच्चे को हम लोग बोलने के मैनर सिखा रहे हैं, उनको सोशली मूव करना सिखा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपने सीखा होगा कि बच्चों को कर्टसी वर्ड्स के साथ कैसे रोशनास करवाना है, कैसे उनको इनके बारे में बताना है और उनमें ये चीज़ कैसे उजागर करनी है कि बच्चे डेली लाइफ में इनको इनकल्केट कैसे करते हैं और कैसे इनको यूज़ करते हैं। स्टे ब्लेस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।